लेट इट बी लाइक दिस, उसमें से आप ले लीजिए। उनको चेक कर लेंगे दोस्तों। समझना है कि गत कहाँ से उठती है। अनिश तेरा ठेका लगा ना, ना दिन दिन ना इसकी जगह समझना। Thank you.
अभी इसमें जिसमें कोई तिहाई फ्राई करनी हो
The meaning of santoor. Ji. In brief. Meaning of santoor. शततंत्री भी ना तो पुराना नाम था. मुझे मेरा ऐसा ख्याल है कि सद तार, सदी या सद हंड्रेड होता है और जी, तार जी. उससे अपभ्रंश होकर संतूर हो गया. और जैसा मैंने कहा कि ये पर्शियन नाम है, पर्शियन लफ्ज़ है. और जो ईरान में संतूर बजता है वो लोग भी संतूर कहते हैं, और ग्रीस में संतूरी कहते हैं, उसका क्या मतलब है वाले? कुछ ग्रीक में वैसे ही लगता है जैसे आपके. जी हाँ, मिलते जुलते साज हैं वो. ये देखिए, इस साज की मैं थोड़ी सी आपको बनावट बता दूं. जी. ये वुडन बॉक्स है और हॉलो है जी अंदर से. अच्छा. और इसके ऊपर ये छोटे छोटे जो ब्रिजेस बोलते हैं इसको हम, जैसे सितार पर भी एक ब्रिज होता है, सारंगी पे होता है, जिसके ऊपर से तार जाता है खूंटी की तरफ. जो इसकी खूंटियाँ जो हैं ये इस तरफ हैं, इधर तार को बांधते हैं और इधर से लेते हुए ब्रिज पर से लाके इधर खूंटी में लगा देते हैं. ठीक है. और चढ़ाने उतारने के लिए इधर से इसको स्ट्रेटन करते हैं. जी हाँ. तो हर जो कश्मीरी संतूर है उसमें 25 ऐसे ब्रिजेस हैं. अच्छा. और हर ब्रिज के ऊपर चार तार हैं. अब इसमें आप देख रहे हैं इसमें तीन तार, तीन देख रहा हूँ मैं. ओरिजिनली चार थे. अच्छा. और कश्मीरी संतूर में चार ही हैं और 25 मिलाकर के 100 बन जाते थे. जी जी. तो जब मैंने इसमें तब्दीलियां शुरू करी तो पहली बात मैंने ये की कि इसकी टोनल क्वालिटी को मैंने इम्प्रूव किया. मतलब चार से जब आपने तीन किया जी, तो टोनल क्वालिटी में फ़र्क क्या है? ऐसा होता था कि जब हम फास्टर म्यूजिक बजाते थे जी, मान लीजिए जी, मैंने इतने रोज में इतना फास्ट बजाया, अभी आपको नोट्स की गूंज तो है, इंडिविजुअल नोट क्लियर सुनाई दे रहा है जी. जब चार स्ट्रिंग थे तो उनकी गूंज इतनी ज्यादा थी कि जब हम स्लो बजाते थे वो तो ठीक लगता था, जब फास्टर इस किस्म की कोई चीज़ बजाते थे तो मिक्सअप होते थे नोट्स. अच्छा. और रिकॉर्डिंग में जब आप उसको रिकॉर्ड करके सुनिए तो क्लैरिटी ऑफ टोन नहीं लगता. अच्छा. तो मैंने फिर दो तार भी इसमें आजमाए, लेकिन दो तार रखने से बहुत थिन साउंड हो जाती है. अच्छा. जो लोअर स्ट्रिंग्स हैं उनमें आप दो तार रखें, जैसे यहाँ है वो ठीक रहता है, यहाँ चार होंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. बाकी जगह मैंने तीन तीन तार लगा दिए. और कुछ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ, बल्कि आपका यहाँ स्ट्रट या सपोर्ट है, लेकिन इस तरफ ये ऐसा है, एक तार इधर से आ रहा है. हाँ. यहाँ से ऊपर होकर के नीचे जाता है, एक इधर से आ रहा है, यहाँ से ब्रिज पे होकर नीचे जाता है. हम तो देख रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रट के ऊपर से नहीं जा रही है ये वायर्स. हाँ जी हाँ, वो दोनों तरफ है, एक तार इधर से आती है जी. तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ आके ब्रिज आता है. इससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब व्हाट इज द डिफरेंस? अगर इससे मतलब मान लीजिए अगर इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूँ जी, तो सुर जो है उतर जाएगा, मतलब लोअर हो जाएगा. अच्छा. और इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो सुर चढ़ जाएगा, क्योंकि लेंथ उसकी जब बढ़ती जाएगी जी, तो स्वर जो है वो नीचे मतलब लोअर ऑक्टेव में चला जाएगा. तो फिर जैसे आप देखते हैं कि ये जो है इसकी लेंथ इससे कम है जी, तो ये अब बिल्कुल ऊपर के स्वरों का वो है. अच्छा. और इसकी लेंथ यहाँ पर सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर लोअर नोट तो ये इतना ऊंचा है जी. तो ये इतना 25 वेरिएशंस आपके पास? जी हाँ. तो ओरिजिनल में 25 थे और वो 100 तार बन जाते थे जी. तो मैंने जब इसमें कुछ सोचना शुरू किया कि मैं क्या करूं, इसको तब्दीलियां क्या किस किस्म की होनी चाहिए, तो पहली तो साउंड क्वालिटी जो है, मतलब ये इतना बड़ा बॉक्स है, इसका ब्रिज की प्लेसिंग यहाँ होनी चाहिए कि यहाँ होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, तार कौन से गेज का होना चाहिए, कितना मोटा तार होना चाहिए, और किस मटेरियल का है? ये स्टील का है जी, स्टेनलेस स्टील का. स्टेनलेस नहीं, दूसरा यूज करते हैं, जर्मन तार है, और जो पियानो में भी यूज़ होता है, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ होते हैं जो तार. और दूसरा मैंने ये किया कि इसमें टोनल क्वालिटी को एक सूदिंग सॉफ्ट, आप सिर्फ छेड़े ही उसको तो उसको इम्प्रूव किया. सेकंड मैंने ये किया कि तारों का सिस्टम बदल दिया, चार की जगह तीन तार कर दिया और कहीं कहीं ये दो तार कर दिए लोअर ऑक्टेव में, और नंबर ऑफ ब्रिजेस बढ़ा दिए मैंने.
इसमें अब ये संतूर मेरा करीब 35 साल पुराना है जिसको मैं बजा रहा हूँ, और ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में होता है कि जितना पुराना साज होता है वो सीजन हो जाता है, साउंड बेटर हो जाती है। और उसमें मैं इसी वजह से इस साज को इतने सालों से बजाता हूँ, और इसमें मैंने जो तब्दीली की थी, इसमें आप देख रहे हैं 29 ब्रिचेस हैं, 29 हैं इसमें। अच्छा। वो मैंने इसलिए किया कि उसकी रेंज कम पड़ती थी। हमारे संगीत में 3 सप्तक होते हैं, 7 स्वरों के समूह को सप्तक बोलते हैं जी। और अमूमन 3 सप्तक इस्तेमाल होते हैं, तो उसमें 3 सप्तक हमको मिलते नहीं थे, तो उस वजह से मैंने इसके ब्रिजेस बढ़ा दी। इसमें 29 हैं, मेरे पास 33 ब्रिज का भी संतूर है। अच्छा। लेकिन वो इतना सीजन नहीं हुआ तो उसको मैं नहीं बजाता। ओह। एक उसके बाद मैंने दूसरी चीज़ जो की, जो कश्मीरी संतूर मिलाने का सिस्टम था, जैसे मैंने कहा कि 7 स्वर होते हैं और उनमें 5 स्वरों के वेरिएशंस होते हैं, कुल मिला के 12 स्वर बनते हैं। उसके मिसाल मतलब आप जैसे देखिए, स रे ग म प द नी, 7 स्वर हुए। अब इसको अगर मैं बजाऊं, फिर ऊपर का साज आता है जी। अभी ये हमको मिल गया। अभी दूसरे स्वर होते हैं जो जैसे गा है, ये गा शुद्ध है, शुद्ध गा है, स ग, जिसको मेजर भी बोलते हैं वेस्टर्न स्केल, एक इससे उतरा हुआ गा होता है स ग स ग स म स म, ये मध्यम तीव्र हो गया है। अच्छा। स प, ऐसे सा और पा ये अचल स्वर हैं, इनके वेरिएशन नहीं होते। रे गा मा धा नी, इनके वेरिएशन होते हैं। तो कश्मीरी संतूर में जो ट्यूनिंग का सिस्टम था उसमें ये वेरिएशन नहीं मिलते थे। अच्छा। तो मैंने उसका ट्यूनिंग का सिस्टम बदल दिया जिसमें हमको ये वेरिएशंस अब मिलते हैं। अब ये जो संतूर जो है जी, हम सिर्फ पंडित शिव कुमार शर्मा जी के यहाँ पाएंगे या आम संतूर किसी और को भी मिल सकेगा? जी नहीं, अभी ऐसा है, बहुत अच्छी बात ये हो गई है कि जो जितने संतूर बन रहे हैं आजकल जी, इसी स्पेसिफिकेशन से बन रहे हैं। अच्छा, अच्छा। अभी एक समझिए, ये मैंने जो भी कोशिश की है वो एक स्टैंडर्डाइज चीज हो गई है जी। और उस तरीके से लोग साज बनाने भी लगे हैं, और मेरे पास जितने शिष्य सीख रहे हैं वो इसी प्रथा को आगे चला रहे हैं, इसी तरीके से सीख रहे हैं। यानी कि एक तरह की कॉपीराइट आपकी है इस पे? कॉपीराइट तो मैं नहीं कहूंगा इसको, ये तो आर्ट की फील्ड में हर आदमी अपनी अपनी कोशिश करता रहता है, और मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं। अगर कोई इसे मैस प्रोड्यूस करना चाहे या और बनाना चाहे तो फिर आपसे ही उनको, मतलब अभी उनका ये उनके ऊपर है। कई लोग बजाते भी हैं, मेरा नाम नहीं लेते हैं और बजा रहे हैं उसको, और उसमें कुछ बात इधर उधर कर लेते हैं, तो वो बल्कि कह देते हैं हमारा कॉपीराइट। मैंने कभी कॉपीराइट नहीं क्लेम किया। अब आपने कहा था पहले जी कि ये ठहराओ आलाप में जी, हाँ, किस प्रकार से आप इसमें लाएंगे, खास चीज है जी। उसकी थोड़ी सी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अब देखिए, मेरी जो सबसे पहली जो मुश्किलात मुझे आई और जो मुझे सुनना पड़ा लोगों से कि अच्छा। इस साज को कभी क्लासिकल में नहीं बजाया जा सकता, इसमें ठहराव नहीं। अब ठहराव, ये साज जो है ये स्ट्राइकर से बजता है, ये अपने किस्म का एक साज है जो तार का साज है, लेकिन हम इसको यूं बजाते हैं। अभी ये इसका तरीका था बजाने का। मान लीजिए अभी एक राग है बागेश्वरी जी, उसमें ये स्वर लगते हैं स ग म ग नि स नि ग म म प द म ग म ग रे सा। अब ये राग है, इसकी ये आरोही, ये चलन है इसका। अभी इसको अगर ओरिजिनली तरीके से बजाना पड़ता तो ऐसा बजता था, तो हमारे संगीत में क्या होता है, कट नोट्स हमेशा नहीं बजते, कभी कभी बजते हैं। हमेशा जब कोई गायक शुरू करेगा सा रे ये चीज हमको इस पर बजानी है, तो ये तो बजता है यूं, तो लग रहा है कि
टूट जाते हैं स्वर जी, जी। तो उसकी मैंने बहुत कोशिश की, बहुत जिद्दत, उसमें क्या किया जाए कि इसको अलग अलग तरीके से कुछ उसमें मैं इस स्वर को इस तरीके से कैसे निकालूं। तो कई तरीके हो सकते थे, लेकिन मैंने अपनाया कि जो स्ट्राइकर से बजाते हुए ही ये फील आए। जैसे मान लीजिए अभी होल्ड कर रहे हैं सा मंगरे सा, अभी इसको बजाना हो गमदनीदा, अब ये फ्रेज है तो ये आप महसूस कर रहे होंगे कि जो मैं कह रहा हूं गले से किसी अंदाज से ये साज उसको कह रहा है जी। अब दूसरा तरीका मान लीजिए ऐसा हो सकता है, तो वो लगता है कि उंगली उस पे लगा के ये लगता है कि ये इस साज का कैरेक्टर नहीं जी। मैंने ऐसा सोचा पहले, शुरू में एक्सपेरिमेंट किए तो मुझे लगा नहीं, मैं इस साज की जो शख्सियत है उसको बिगाड़ करके कुछ और करने, ये किसी और साज का यानी कि सरोद या सितार का जी हाँ, और उस अंदाज से जैसा सरोद और उस पर बजता है वो ये नहीं हो सकता, ये एक पूरी इतनी बारीकी से नहीं होती। और ये जो बात है गमदने सा, तो ये इसी में पैदा होगा। अब ये जो बात है ये इसको हम कह सकते हैं कि संतूर का बाज है, ये संतूर की टेक्निक है। तो इसको डिस्कवर करने में मुझे बहुत साल लगे और इसके बाद काफ़ी लोगों का मत बदलने लगा कि नहीं ठहराव आ सकता है और अपने अंदाज में, जैसे भी हर साज की आप कह सकते हैं कि नोबडी इज़ कम्प्लीट, नोबडी इज़ परफेक्ट। तो हर शख्स या हर जो भी चीज़ है, इंस्ट्रूमेंट है, गला है, हर एक की अपनी एक लिमिटेशन होती है। उसमें हम ना जाते हुए ये देखें कि क्या हो रहा है, इसकी क्या खूबियां हैं। जी हाँ, तो ये जो अंदाज है ये संतूर का अंदाज है, इसमें हम उस तरीके से इसको बजाते हैं। इस संतूर पे आपको कोई एक फेवरेट राग हो जो आप प्ले करते हैं? वैसे तो बहुत सारे राग हैं, मैं जैसे ये बागेश्वरी भी मेरा पसंदीदा राग है, बहुत खूबसूरत राग है। ये है तो सही, हमने वो सुन लिया। आपका कोई एक फेवरेट राग हो? मैं आपको पहाड़ी भी मेरा बहुत पसंदीदा राग है, हालांकि पहाड़ी एक लाइट क्लासिकल फॉर्म में आता है और उसमें मैंने जो बचपन में सुना अपना लोक संगीत, तो उसको मैंने इस पर, जब मैं पहाड़ी बजाता हूँ थोड़ा सा, मैं आपको एक अभी देखिए इसको स्वर को मैं थोड़ा सा चेक कर रहा हूँ, इसका ट्यूनिंग जो है बहुत मुश्किल काम है कि वो तारों को, जी हाँ, मतलब क्या सेंसिटिविटी है इसमें, हमने ये भी देखा कि रिकॉर्डिंग के दौरान मतलब तबला का वो जो तबला भी अगर कोई बजाए ना जी हाँ, तो ज्यादा गर्मी हो तो वो आपको बदलना पड़ता है उसका फौरन। अभी देखिए पहाड़ी का बहुत सारे अलग पहाड़ी के अंदाज हैं, लेकिन ओरिजिनली पहाड़ी जो है ये हिमाचल जम्मू इस एरिया में, फिर पंजाब में भी इस्तेमाल होता है, गढ़वाल में चले जाइए, दार्जिलिंग की तरफ चले जाइए, नेपाल चले जाइए, उसके अलग अलग रूप हैं। और उसको हम लाइट क्लासिकल में जब लेते हैं तो उसको ठुमरी का अंदाज भी कहते हैं और लोक संगीत का भी उस पर असर होता है। Thank you.
फोक का अंदाज है वहां का, लोक संगीत लोक गीत है वहां का डोगरी का। वाह इसके बोल संजा की पखर पखेर पर आए कैत पर देसिया तू देरे कुत्तिलाए देरे इसको मैं एक ले लेता हूँ कि ये मेरा बेस बन गया, उसको लेकर के फिर मैं उसमें वेरिएशन करता रहता हूँ। मगर इसके साथ जब हाँ आप करने वाले हैं संजा होया पखर पखेर पर आए कंठ पर देसिया वही बात उसको कहने की कोशिश करें तू देर को थे लाए संजा हो या पखरू पखेरू कर आए डोगरी का है मतलब शाम हो गई है सारे पंछी और सारे घर वापस आ गए हैं जी। तुम कहाँ चले गए हो अरे तो ये हमारे लोकगीत हैं वहाँ के जी। तो इनको मैं जब बजाता हूँ तो मेरे श्रोता भी बहुत पसंद करते हैं और पहाड़ी एक ऐसा राग बन गया है कि जहाँ भी मैं बजाता हूँ मुझे इसकी ज़रूर फरमाइश होती है। कई दफ़ा मैं चाहता भी हूँ मैं कुछ अलग कुछ चीज़ बजाऊं तो आपने कहा तो मैंने कहा कि हमारे श्रोता सुन रहे होंगे जी तो उनकी फरमाइश भी मैं पूरी कर दूं। मेरे ख्याल से हम आपके श्रोताओं जो जो लाखों की संख्या में हैं इसको सुन रहे होंगे और वो भी इमेजिन कर रहे होंगे जब इसको आप रिदम के ऑर्केस्ट्रा के साथ लगाते हैं तो प्लैटिनम जुबली डिस्क जो आपका बनता है। मैंने अपने आपने सही कहा वहाँ के जम्मू के लोग गीत को लेकर के जी उनको थोड़ा एक बेस बना करके फिल्मों में भी इस्तेमाल किया है जी। जैसे सिलसिला में था देखा ख्वाब तो ये सिलसिले हुए चांदनी में एक गाना था तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत में तो जी। और वो साहिबा में एक गाना था टाइटल सॉन्ग तो मेरी साहिबा जी हाँ। तो वो बेसिकली फोक पहाड़ी वहाँ जम्मू का है और जम्मू का फोक फिल्मों में इस्तेमाल पहले नहीं हुआ था और बंगाल का फोक फिल्मों में बहुत आया पंजाब का आया यूपी का आया कई जगहों का आया तो ये मुझे मौका मिला एज म्यूजिक कंपोजर तो हम लोगों ने जम्मू का फोक इसमें। लेकिन इसके डिसिप्लिन में कोई फ़र्क है किस तरह से आप एडजस्ट करते हैं या एडजस्ट करने की ज़रूरत है? हम पहले तो पिक्चर की सिचुएशन देखते हैं क्या है और क्या कैरेक्टर्स हैं क्या मूड है और उस मूड के हिसाब से बेसिक हमको क्या ट्यून चाहिए मेलोडी क्या चाहिए और फिर जब मेलोडी बन जाती है बोल्स पर लिखे जाते हैं फिर कहाँ पर वो पिक्चराइज होगा वहाँ की लोकेशंस क्या है जो ऑर्केस्ट्रेशन होता है उसकी ब्लेंडिंग फिर उस हिसाब से करते हैं। नहीं मगर इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि आपको एक क्लासिकल फील है कि भैया ये अच्छा, यहाँ पे इधर अच्छा, उधर हाँ, नहीं होना चाहिए अभी इसको नहीं, इस ढंग से किया। इसमें एक ये मैं कहूँगा कि दो रूप अपने अलग अलग बनाने पड़ते हैं कि जब हम एक फिल्म में कंपोज कर रहे हैं तो उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि हम क्लासिकल म्यूजिशियन हैं। उस वक्त आई एम अ कंपोजर एंड माई एम इज टू गिव अ प्रॉपर कलर प्रॉपर मूड टू द सिचुएशन वो चाहे क्लासिकल राग से हो वो चाहे अभी एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि एम्स्टरडेम में उसका पिक्चराइजेशन हो रहा है एकदम वेस्टर्न लोकेशन है वहीं की सब सराउंडिंग्स हैं तो वहाँ पर हम कई दफ़ा ये ज़रूर करेंगे कि कुछ मेलोडी यहाँ की ले लेंगे लेकिन उसमें ऑर्केस्ट्रेशन उस टाइप का कर लेंगे लेकिन उसमें बंदिश नहीं रखेंगे। जब मैं राग बजा रहा हूँ अब जैसे मैं पहाड़ी बजा रहा हूँ शुद्ध राग कोई बजा रहा हूँ
कि उसमें मैं राग के साथ में मतलब चालाकी नहीं कर सकता या उसके साथ में कोई लिबर्टी नहीं ले सकता, उसकी शुद्धता को मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन जब आपको कैबरे के लिए परफॉर्मेंस आई है, कुछ है आपको म्यूजिक कंपोज करना, है, तो जनाब आप बताइए कि मेंटली आप क्या कर सकते हैं उसके साथ। उस वक्त हम फिर वैसा ही सोचते हैं, मगर ये कैपेबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आखिर में वो तो म्यूजिक आपको पसंद भी नहीं होना चाहिए खास तौर पे। नहीं, हम अभी तक लकीली ऐसा ही म्यूजिक कंपोज किया है जो मतलब हमारे पसंद का रहा, कि रोमांटिक फिल्म है, म्यूजिकल फिल्म है, सॉफ्ट फिल्म है, मारपीट नहीं है। अभी चांदनी जैसी फिल्म में एक भी कोई फाइट सीन नहीं था, डर में था ऑफ कोर्स, डर वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म, डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, अप्रोच अलग था। जी हाँ, तो हमारी मतलब सिलेक्शन भी फिल्मों की यही रहेगी कि इस किस्म की फिल्में हों जिसमें अभी हमको ये कहा जाए कि रैप सॉन्ग बनाओ या वो करो, तो वो शायद मेरा टेस्ट नहीं है जी। और उस किस्म का कोई उसमें इंस्पिरेशन नहीं मिलती कि ऐसा कुछ बनाया जाए। तो अभी तक जो काम किया है तो उसमें ये ज़रूर रहा कि उसी किस्म की फिल्में थी, तो वो काम भी सीखा। कोई एक फेवरेट गाना भी होगा राग की तरह आपने जो कंपोज किया है, या अगर आपकी कंपोजिशन में ना भी हो कोई और भी हो, व्हाट सॉर्ट ऑफ सॉन्ग्स डू यू लाइक, व्हाट सॉर्ट ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक? मैं हर किस्म का म्यूजिक सुनता हूँ, जैसे कि मैं क्लासिकल तो सुनता ही हूँ, मैं गज़ल भी सुनता हूँ। अच्छा। मुझे मेहंदी हसन, गुलाम अली, जगजीत सिंह बहुत पसंद है, और उसके अलावा मैं फोक म्यूज़िक हर जगह का सुनता हूँ, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक सुनता हूँ। अच्छा। और यूँ कहिए तो वेस्टर्न पॉप भी सुनता हूँ, कभी मैं भी होटल में बैठा हुआ हूँ, प्रोग्राम करके आया हूँ और ऑन किया, तो आजकल जो भी आप करिए तो सब चैनल्स आपको वी टीवी और एमटीवी और सब सुनने को मिलता है, और उनको भी मैं सुनता हूँ। और मैं, मुझे बर्दाश्त वो म्यूज़िक होता है, बर्दाश्त से मेरा मतलब है कि, या रिवर्स कहिए कि जिस म्यूज़िक में मेलोडी नहीं है जी, या जिस म्यूज़िक में संजीदगी और वो नहीं है, वो ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं होता जी। और फिर लगता है कि अच्छा अब रुक जाओ, कुछ और सुनो। तो हर तरह का म्यूज़िक मैं सुनता हूँ, और फिल्मी गाने तो मैं बचपन से सुनता रहा हूँ। और म्यूज़िक डायरेक्टर्स जो उस ज़माने के थे, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक बनाया, और एक सबसे बड़ी खासियत ये थी कि हर म्यूज़िक डायरेक्टर का अपना एक स्टैम्प था। और मैं आपको चंद एक नाम गिनवाऊँ, नौशाद साहब हैं, या एस टी बर्मन थे, या सी रामचंद्र थे, मदन मोहन, रोशन, ओ पी नैयर साहब, और हेमंत कुमार, कितने म्यूज़िक डायरेक्टर थे जिनकी अपनी एक छाप थी। और उनका गाना शुरू होते ही आपको महसूस हो जाएगा कि ये इनका गाना शुरू होगा। और गाने वालों में भी ऐसा ही था, प्लेबैक सिंगर्स जो थे, इतने प्लेबैक सिंगर्स थे, और हर प्लेबैक सिंगर्स की अपनी वॉइस की अपने अपना एक करेक्टर था उनका। फीमेल सिंगर्स में भी लता जी की अपनी एक वॉइस, आशा जी की, गीता दत्त गाती थी तो उनकी अलग आवाज़, शमशाद बेगम गाती थी तो उनका अलग। हाँ, बिल्कुल। तो इतने सिंगर्स थे, मुकेश जी, मन्ना दा, हेमंत दा, और किशोर कुमार, रफ़ी साहब, तलक महमूद, तो इतने सिंगर्स में सबकी अपनी शख्सियत थी। तो ये एक बड़ी, इतनी वैरायटी, और इतना सुनने में अच्छा लगता था। तो अभी कुछ महदूद हो गई हैं चीज़ें, लेकिन उस वक्त मैं बचपन से इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि मुझे ये सब लोग, हम बिना का गीतमाला बुधवार को आता था तो सुना करते थे, तो मुझे फिल्मी संगीत का भी बचपन से शौक था। हालांकि मैं क्लासिकल म्यूज़िक सीख रहा था, लेकिन मेरे कान, मेरे मतलब आइडियाज़, आई वाज ओपन टू एनी टाइप ऑफ म्यूज़िक। उसमें आपको क्या अच्छा लगता था? उसमें मतलब मैंने जैसे कहा कि मेलोडी और कम्बिनेशन, पोइट्री बहुत अच्छी आती थी उस ज़माने के गानों में, इतनी खूबसूरत पोइट्री लिखी गई है, और दोनों मतलब पोइट्री भी अच्छी हो और गाने की जो मेलोडी हो। और एक चीज़ है कि मेलोडी इज़ द मेन थिंग, गाने की जो ऑर्केस्ट्रेशन अगर गाने के ऊपर हावी हो जाए और गाना दब जाए, तो वो ऐसा हो गया कि एक
औरत ने अब टीका लगाना है तो इतना बड़ा लगा लिया कि पूरा माथा छुप गया, तो वो उसके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। मेन गाना और बोल है और उसकी मेलोडी है, और गाना ऐसा है कि जो आप 10 साल के बाद भी सुने तो आपको अच्छा लगे। वो कौन सा पॉइंट था आपकी जिंदगी में जब आपको लगा कि मैं सफल हो गया हूँ अपने काम में? हाँ, ये तो मैं आपसे बताऊँ, हर कॉन्सर्ट के बाद अभी भी ये लगता है। अभी ये फीलिंग तो नहीं है कि मैं असफल हूँ, ये तो महसूस होता है, सेटिस्फेक्शन है, लेकिन ये ज़रूर लगता है कि अभी एक ये ऐसा मकाम है जहाँ कभी आप फुलफिल्ड, जो टोटली सेटिस्फाइड है ना, वो फीलिंग नहीं आती है। जैसे मैं प्रोग्राम बजा के आता हूँ तो मैं खुद अपने आप को असेस करता हूँ कि आज मैंने क्या किया, चाहे भले ही मुझे श्रोता मेरे कहें कि साहब कुछ भी कहें, बहुत प्रशंसा मिली, जी हाँ, और लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लोग बहुत इमोशनल्स हो जाते हैं प्रोग्राम सुनने के बाद, कई मर्तबा आते हैं कुछ कहना चाहते हैं तो दे आर चोक्ड, बोल नहीं सकते या रोना शुरू कर देंगे, कई तरह की बातें होती हैं। लेकिन जब मैं वापस लौटता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि आज क्या क्या चीज़ की कमी थी, और अलग अलग सेक्शंस हैं हमारे म्यूज़िक की, आलाप है, जोड़ है, झाला है, गत है, विलंबित गत है, मध्य लय की गत है, द्रुत है, उसमें लयकारी है, उसमें उपज है, उसमें आपकी इमेजिनेशन है, आप फिक्स बजा रहे थे कि आप उपज का कुछ बजा रहे थे, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। तो उसमें ये लगता है कि मुझे हमेशा लगता है कि ये फलां चीज़ अच्छी थी तो फलां चीज़ इसमें और बेहतर हो सकती थी। और ये मैं ज़रूर कहूँगा, एक चीज़ मैं कई मरतबा कह चुका हूँ, मुझे इस चीज़ की जो आपने कहा कि जब किस मकाम के आप पे आपको लगा कि सफलता अभी हो गई है, मुझे मतलब जब एक ऐसा वक्त था कि जब संतूर का नाम किसी को नहीं मालूम था, और जब मैंने शुरुआत की तो मुझे सब तरफ से ये मिला कि नहीं इसको मत करो, लोगों ने कहा छोड़ दो, सितार बजाओ या सरोद बजाओ। फिर जब ये मकाम आया कि मुझे वो लोग कहने लगे जो बुजुर्गवार कई कलाकार थे जो अब नहीं रहे, जिन्होंने मुझे ये भी सलाह दी थी कि बेटा तुम सितार या सरोद बजाओ, तुम्हारे पास अच्छी तालीम है, तुमने अच्छा सीखा है, तुम जहीन हो, तुम अच्छे म्यूजिशियन बन सकते हो, ये साज छोड़ दो। तो जब उन लोगों ने मुझे ये कहा कि अब वो बात होने लगी, अब इसको बजाओ, तो एक मुझे लगा कि एक माइलस्टोन ये मेरे लिए वो आपने पार किया। जी हाँ, तो उसके बाद जब देश के बाहर सब जगह लोग इसको सुनने लगे और ऐसा एक श्रोताओं का वर्ग बन गया कि जो मेरा प्रोग्राम होगा तो वो लोग ज़रूर आएंगे, तो मैं समझता हूँ कि एक कलाकार की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन शक्ति, कुछ भी कह लीजिए, उसके श्रोता है। वो जब तक उस उनका आदर और प्यार उसको नहीं मिले, आप कितना भी अपने मन में मान लीजिए कि मैं बहुत कमाल बजा रहा हूँ, लेकिन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लिसनर्स, व्हेन टिल दे डोंट एक्सेप्ट यू, टिल यू कैन नॉट फील सेटिस्फाइड। एट द सेम टाइम आई हैव गॉट अनदर अप्रोच टूवर्ड्स माई म्यूजिक, दैट इज दैट व्हेन आई प्ले माई म्यूजिक आई डोंट गो टू द लेवल ऑफ माई लिसनर्स, दे माइट एक्सपेक्ट एनीथिंग। जैसे अब मान लीजिए कि मैं किसी जगह प्रोग्राम बजाने गया तो मेरे फिल्म का फॉर एग्जांपल गाना बहुत हिट है, मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियाँ, मैंने एक राग ख़त्म किया तो मुझे लोग कहें कि साहब अभी आप मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियाँ सुनाएं, तो क्लासिकल की स्टेज पे मैं वो नहीं बजाऊंगा, वहाँ मैं क्लासिकल म्यूज़िक बजाने गया, क्योंकि एक बार मैं वो चीज़ शुरू कर दूंगा तो ऐसे ही मेरा सोच ये है कि मुझे पहले अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहिए, वॉट आई एम डूइंग आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद दैट, और जो मेरा म्यूज़िक जिस तरीके से मैं बजाना चाहता हूँ मैंने आज तक उसको वैसे ही बजाया है। कई ऐसे सिचुएशंस मेरे सामने आई कि जब मुझे ऐसी बहुत मतलब ऑफर्स थी कि आपको इतना पैसा मिल सकता है, आप इस अंदाज से या इस कॉम्बिनेशन से या ऐसा म्यूज़िक बजाएं, तो मैंने उस तरीके से नहीं बजाया। और जहाँ मैं गया हूँ कई दफ़ा मुझे कई लोगों ने सजेस्ट किया कि साहब ये नई जगह है, यहाँ लोग क्लासिकल नहीं जानते, तो आप आलाप वगैरह मत करिए, आप तबले के साथ एक शुरू से कुछ ऐसा आपस में सवाल जवाब करिए कि लोगों को ज़रा अच्छा लगे, और उसके बाद जिनको जाना होगा चले जाएंगे, और फिर आप इत्मीनान से जो थोड़े से लोग रह जाएंगे उनको आप सुनाइए। तो इस किस्म की सिचुएशंस भी आती हैं और वो कई मरतबा आती हैं।
तो उस वक्त जो मैं करता हूँ उससे मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन है कि ये मेरी सफलता है, जो आप सफलता कह रहे हैं ना, वो ये है कि मैं उस वक्त अपने अंदाज का, उनको ही कहता हूँ कि आप मान लीजिए मुझे किसी ने कहा कि आप ऐसा बजाइए, मैंने कहा साहब देखिए मेरा प्रोग्राम है, आप मेरे ऊपर इसको छोड़ दीजिए, मैं क्या बजाना चाहता हूँ, आपने मुझे बुलाया है तो मेरा म्यूज़िक सुनिए जिस अंदाज से मैं इसको बजाना चाहता हूँ। तो मैं जाके, मेरा एक तरीका है कि मैं अपने श्रोताओं को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, बाहर तो ज़रूर करता हूँ यहाँ भी करता हूँ, कि मैं क्या बजाने जा रहा हूँ, आलाप क्या होता है, इसको क्यों बजाया जाता है। तो वो उसके बाद जब मैं अपना प्रोग्राम शुरू किया तो मैं इत्मीनान से जैसे आलाप बजाना था बजाया, जिस तरीके से मैं बजाया वो लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सुना और 3-4 घंटे बैठ के सुना। फिर वही साहब आकर के मुझे बोले, और ऐसे कई साहब मेरी ज़िंदगी में आए हैं कि साहब ये जो आपने, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने कुछ गलत समझा था कि लोग शायद इस म्यूज़िक को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, बड़ा हैवी होता है क्लासिकल म्यूज़िक, लेकिन लोगों ने तो बहुत अच्छी तरह से सुना। तो मैं मानता हूँ ये मेरी सबसे बड़ी सफलता है कि मैं म्यूज़िक को अपने अंदाज से अब तक बजाया हूँ अपने 40 साल के करियर में, और उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया है, उसको उसी अंदाज से सुना है। मुझे ये नहीं कहा कि आप ये करिए या वो करिए और आप ये क्यों बजा रहे हैं, नहीं, उन्होंने उसको सुना है और उसको अप्रिशिएट किया है। एक और सफलता है शिव जी, जिसके राज का हमें आपको बताना पड़ेगा। आप जब म्यूज़िक कंपोज करते हैं फिल्मों के लिए, आप जोड़ी में कंपोज करते हैं जी, अब ये बड़ी मुश्किल चीज़ है तो मुश्किल तो ये आपको ये महसूस क्यों हुआ कि आपको जोड़ी में कंपोज करना है, और इसके एडवांटेजेस क्या हैं? उसमें हम लोगों ने पहल नहीं की है, पहले लोग थे जी। सबसे पहली जो जोड़ी म्यूज़िक डायरेक्टर्स में आई, हुसन लाल भगत राम जी, उनसे शुरुआत हुई। और बाय द वे मैं बड़ा क्लोजली पंडित जी को जानता था जी, दोनों भाइयों को, हमारा फैमिली के, मेरे फादर के, उनके गुरुजी के साथ रिलेशंस थे, बड़े गुणी लोग थे, तो उनसे शुरुआत हुई। फिर उनके ही असिस्टेंट थे शंकर जी जी, और इन लोगों की जोड़ी शंकर जयकिशन, और फिर आए कल्याण जी आनंद जी, और उसके बाद लक्ष्मीकांत प्यारेला। तो मतलब काफी लोग हमसे पहले इस चीज का आगाज पहले हो चुका था, मगर आपको लगा कि जोड़ी एक्चुअली सफल हो सकती है। तो हमको मतलब ऐसा लगा कि मैं और हरी जी यहाँ मिले बॉम्बे में, और हम लोगों की आपस में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, और कॉल ऑफ द वैली जो हमने बनाया था जी, उससे वो हमारा पहला एक जॉइंट एफर्ट था जो सफल रहा। हालांकि वो क्लासिकल फील्ड में था, क्लासिकल फील्ड में होते हुए भी एक डिफरेंट अंदाज का वो रिकॉर्डिंग थी। तो उसके बाद हम लोगों ने कभी 2-4 मरतबा डुएट बजाए भी, ज़्यादा नहीं बजाया। और फिर जब हमको यश जी ने ये ऑफ़र की कि आप करें, तो उन्होंने, उनको भी मालूम था कि इनकी अच्छी रेपो है, उन्होंने कहा आप दोनों मिलकर ही करेंगे, तो उससे फ़ायदे भी बहुत होते हैं। कई दफ़ा ये भी हो सकता है कि आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना एक अच्छी बात होती है, उसमें एक नया आइडियाज़ आते हैं और इसके मैं समझता हूँ फ़ायदे ज़्यादा है, और जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो काम और बेहतर होता है। चलिए, एक पॉइंट नोट किया जाए कि इनके जो एल्बम्स वगैरह जो हैं, कॉल ऑफ द वैली वगैरह, उनके भी आप जरा कवर्स वगैरह पे फिर बताइएगा। आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, फिलहाल गर्मी काफ़ी है बहुत, वो ये है कि ये रही मतलब आपके पहले जो आप कह रहे थे सफलता के सिलसिले में अपने बुजुर्गों श्रोताओं की जो बातें जो हैं, आपको इस पूरे कार्य में आपको अपने फैमिली के साथ जी किस तरह से इमोशनली मेंटली साथ तो जरूर होगा, आपकी एक फैमिली बड़ी अच्छी जी, लेकिन तकलीफें, प्रॉब्लम्स, मेरे ख्याल में फैमिली का, मेरी पत्नी जो है वो इसका अच्छा जवाब दे सकती है कि उन पे क्या बीतती है उन पे क्या गुजरती है, क्योंकि मैं समझता हूँ एक कलाकार की पत्नी को बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट, किसी भी फील्ड का आर्टिस्ट या कोई भी पब्लिक से जो कनेक्टेड फील्ड है, उसका ज़्यादा वक्त दुनिया के लिए होता है और घर के लिए कम होता है जी। और फिर उस सिचुएशन में, और ज़्यादातर जैसे
हम जैसे लोग जो हैं जो साल में 7-8 महीने घर से बाहर ही घूमते रहते हैं जिप्सी लोगों की तरह, तो वाइफ के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट और हमारे लिए भी है कि रोज़ एक नया रूम और नया बेड और नया नई जगह और नए लोग। लेकिन मैं समझता हूँ कि वाइफ के लिए बहुत बड़ी सेक्रीफाइस होती है, और अगर एक आर्टिस्ट को उसकी वाइफ की तरफ से अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन, इंस्पिरेशन और ये नहीं हो तो उसका काम आधा हो जाएगा। और मान लीजिए कभी मैं रियाज करने बैठा हूँ या हफ्तों हो गए हैं मैं बाहर गया ही नहीं, मेरा मूड होता है कि नहीं बाहर कहाँ जाना है, चलो बैठ के कुछ म्यूज़िक सुनते हैं। अभी हो सकता है कि मेरी वाइफ का मूड हो कि आज कहीं चाइनीज़ खाना खाने चलें, कहीं जाएं, हैं? तो ये जो चीज़ है वो मुझे, मतलब मैं ये कहूँगा कि मुझे वाइफ की इस हद तक कोऑपरेशन है कि अगर कभी उसकी तबीयत चाह भी रही होगी कि ये होना चाहिए, शी विल एडजस्ट। ये जो एडजस्टमेंट और एडेप्टेबिलिटी है, फोर्स्ड नहीं है। और थोड़ी सी बात और बता दूँ कि मेरी वाइफ एक ऐसे बैकग्राउंड से आई कि उस फैमिली में बिजनेस था, म्यूज़िक नहीं था, तो उनके लिए एक बड़ा अजीब तजुर्बा था। हमारी अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज नहीं थी, और ये कि इनको ऐसा आग्रह किया कि सुबह उठ के आदमी काम पे जाता है जी। तो ये तो बैठे हुए हैं, और उस वक्त हमारा भी स्ट्रगलिंग पीरियड था और इतने बिजी भी नहीं होते थे कभी, तो ऐसा भी ज़्यादा ही बैठे हुए थे, 15 दिन बैठे हुए घर पे। तो उस तरीके, और फिर जब कोई आ रहा है तो शागिर्द लोग चले आ रहे हैं, उनके साथ बैठ के उनको सिखा रहे, उनके साथ घंटों वक्त चला जा रहा है। तो इन चीज़ों को सुनते सुनते, लेकिन म्यूज़िक एक ऐसा नशा है जो आपको अनजाने में लग जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, और फिर आपको उसमें इतना आनंद आने लगता है। और वही सिचुएशन अब हो गई है। मेरी वाइफ को भी म्यूज़िक में शुरू से भी था इंटरेस्ट, लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि म्यूज़िक क्रिटिक की, मतलब वो ग्रुप में भी, उस ग्रुप में आ सकती हैं कि प्रोग्राम बजा के आए तो क्या हुआ है और किस जगह क्या खामी थी और क्या अच्छा था, इस किस्म का। और ये भी आप सफलता मानेंगे, क्योंकि जब वो एक्सेप्ट किया उन्होंने कि भाई ये एक करियर है भी, और अब आपके, तभी मैं इसको कर पाया, बच्चे बेटे भी जो हैं वो अब कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो उनको ये लगा ही होगा ना कि थोड़ा सा अभी रिस्की है। राहुल है, वो सीख रहा है म्यूज़िक जी, और उसको भी शौक़ है। मेरा बड़ा लड़का रोहित जो है उसको भी था, लेकिन फिर वो दूसरे फील्ड में चला गया। तो अब ये ट्रेडिशन जो है, अभी एक चीज़ है कि मेरी वाइफ बड़ी नर्वस होती है जब प्रोग्राम होता है जी, तो उनको आपको देखना चाहिए। अरे सारे जो अभी जाकिर मेरे साथ तबला बजा रहे हैं तो उधर देख रहे हैं कि भाभी जी हम अच्छा नहीं बजा रहे थे क्या, बोले क्या हुआ, आपके चेहरे से तो अच्छा लग रहा था कि हम बहुत ख़राब बजा रहे हैं, क्योंकि आप इतनी घबराहट में थी। तो उनको इतनी घबराहट होती है, अब राहुल को मैं तैयार कर रहा हूँ तो उनकी घबराहट डबल हो गई कि एक तरफ कहीं मेरा प्रोग्राम है और कहीं वो बजाने जाएगा। तो जिस दिन प्रोग्राम होता है सुबह से ये हो जाता है कि आज क्या होगा। मैं बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं नौसिखिया नहीं हूँ, अभी मुझे कुछ तजर्बा हो गया है बजाने का, लेकिन वो एक, और वो घबराहट में भी यही, उसमें भी यही है कि अच्छा हो इनका प्रोग्राम। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ, और उस चीज़ से मुझे और प्रेरणा मिलती है, मैं अच्छा करूँ। लेकिन अपने बेटे के सामने आप गुरु भी बन सकते हैं पिता के अलावा? बड़ा मुश्किल है, हमारे ज़माने में अलग था। हमारा जो हमारी जनरेशन थी उसमें रिलेशनशिप अलग होता था, और दूसरा ये कि बचपन से ही मैंने सीखना शुरू कर दिया। तो अभी जो आजकल के बच्चे हैं, ये जनरेशन के बच्चे हैं, इनका रिलेशनशिप हमसे वो अलग है जो हमारे फादर के साथ हमारा था। तो जब सिखाने बैठते हैं तो एक चीज़ मैं करता हूँ कि आप किसी के ऊपर म्यूज़िक फोर्स नहीं कर सकते। मैं उसको कहूँ कि 6 घंटा बैठ के बजाओ, मैं वो नहीं करता। मैं एक कोशिश करता हूँ कि तुमको मैं ये काम देता हूँ, तुमको ये 8 दिन को के अंदर तुमको तैयार करना है और मैं सुनूंगा, और ये दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी वेदर यू प्ले 1 आवर और 3 आवर्स और 6 आवर्स। तो उस तरीके से करने से मैं समझता हूँ कि खुद ब खुद जो चीज़ होती है वो बेहतर होती है। और अभी राहुल को सीखते हुए 6-7 साल हो गए जी,
और अभी तक मैंने इसको बाहर बजवाना शुरू नहीं किया। ये थोड़ा सा इसमें आप सुनेंगे शागिर्दों के साथ बजाते हुए, तो कुछ अरसे के बाद मैं इसको लाऊंगा। बाय द वे मुझे वो फिल्म कंपोजिशन में भी असिस्ट करता है, और उसका दिमाग कंपोजिशन में भी अच्छा है। और शिष्य लोगों की बात हुई है तो मेरे पास पूरे हिंदुस्तान से शागिर्द लोग आते हैं सीखने, और मैं 10-15-20 साल से सिखा रहा हूँ लोगों को। और मेरे शिष्यों के कुछ नाम आपको मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा। रतनलाल टिक्कू हैं जो कश्मीर से है, सतीश व्यास महाराष्ट्र बॉम्बे से, पंडित सी आर व्यास जी के लड़के, और हरजिंदर पाल सिंह एक सरदार पंजाब से है, बहुत अच्छा बजा रहा है वो। किरण पाल सिंह मेरा एक शागिर्द है, वो लंदन में है। नंद किशोर मुले मेरा एक और शागिर्द है जो बड़ौदा का है, बट ही इज़ बेस्ड इन बर्लिन और यूरोप में प्रोग्राम करता है। और सुरेंद्र नार्वेकर मेरा स्टूडेंट है एक, जो वो बजा रहा है अच्छा। डॉक्टर फडणवीस है, ही इज़ ए डॉक्टर बट ही इज़ इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक। एक और लड़का है पूना में जो काफ़ी अच्छा बजा रहा है, धनंजय जयशंकर। और विश्वेश्वरन साउथ से है जी, जो चित्रा विश्वेश्वरन हमारी भरतनाट्यम डांसर हैं, वेरी फेमस डांसर, उनके हस्बैंड। तो मतलब आप देखिए कि हर प्रांत के अलग अलग जगहों के लोग संतूर सीख रहे हैं। So, संतूर has a future actually. तो डेफिनेटली। और ये मैं ये भी पूछूंगा कि आपको ये जो स्टार सिस्टम एक्चुअली हमारे क्लासिकल म्यूजिक या डांस या वगैरह इसमें जो है, डू यू फील इट इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, उसको तोड़ना चाहिए या बढ़ाना चाहिए? मैं जरा इसकी तफसील करेंगे, स्टार सिस्टम का मतलब ये जब तक ये नए जो उभरते हुए कलाकार जो हैं उनको कोई चांस तब नहीं मिलता है जब तक कि उनकी प्रॉपर बैकिंग ना हो, फाइनेंस इतना खास ना हो, ऑडियंसेस कमर्शियली आप उनको पुल इन ना करें। हाँ। तो ये क्या है कि एक क्लोज्ड सर्कल ऑफ सेलिब्रिटीज बनती हैं जी, इससे जो नए जो कलाकार हैं उनको उभरना, उनको निकलना बहुत मुश्किल होता है। ये मुश्किलात नए कलाकार के लिए हर जमाने में थी जी, जब हमने भी बजाना शुरू किया था, जब हमारे जो पहले के जनरेशन के लोग थे, शुरुआत में हर आर्टिस्ट को अपने आप को एक प्लेटफॉर्म मिलने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा है, करना पड़ता है। लेकिन आजकल साथ साथ में एक बात और भी हो रही है, जैसे संगीत रिसर्च एकेडमी है जी कलकत्ता में जी, आईटी से वालों की, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि उन्होंने वहाँ पर एक गुरु शिष्य परम्परा से एक अकेडमी बनाई है, जहाँ गुरु भी रहते हैं और उनके शिष्य भी वहीं रहते हैं, और उनको किसी किस्म की कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, उनकी हर किस्म की देखभाल SRA करता है, संगीत रिसर्च अकेडमी। उनको सिर्फ रियाज करना है और सीखना है, और जब तैयार हो जाएंगे तो SRA उनको प्लेटफॉर्म भी देता है। अभी राशिद खान हमारे वोकलिस्ट बहुत अच्छा गा रहा है लड़का, अजय चक्रवर्ती बहुत अच्छा गा रहा है, तो ये लोग SRA की प्रोडक्ट हैं। तो ये हमारे सामने मिसाल है कि ये आजकल के ज़माने में कॉरपोरेट वर्ल्ड के लोग ऐसा भी कर रहे हैं, और कई संस्थाएं हैं। अभी सतीश मेरा स्टूडेंट है, उसकी संस्था है जो वो प्रोग्राम हर साल करता है, गुनीदास। उसके अलावा वो ऐसे भी प्रोग्राम करता है बॉम्बे में, दिल्ली में, जहाँ पर कि यंग आर्टिस्टों को उनको प्रेजेंट किया जाता है, और कल के कलाकार ब्रज नारायण जी किया करते थे। तो इस किस्म की संस्थाएँ भी हैं, लेकिन ये तो है कि ये बड़ा मुश्किल काम है और बहुत जद्दोजहद हर शख्स को करनी पड़ती है। लेकिन जो अच्छा सिंसियर स्टूडेंट होगा, जिसका काम सही होगा, उसको देर लगेगी लेकिन अंधेर नहीं है। आपको अगर मौका मिलता जी अपनी ज़िंदगी को दोबारा बिताना जी, आप किसी अलग तरीके से बिताते, कुछ दूसरे प्रोफेशन में होते? बिल्कुल नहीं, मैं म्यूज़िक के अलावा किसी और प्रोफेशन में नहीं हो सकता। और कई दफ़ा मुझे, अभी परसों मैं भुवनेश्वर में था तो वहीं किसी ने मुझे सवाल पूछा कि आप ये सोचते हैं कि आप संतूर की जगह कुछ और चीज़ गाते होते तो अच्छा होता। एक वक्त था जब मैंने संतूर इनिशियली जब शुरू किया था तो मुझे एक किस्म की फ्रस्ट्रेशन होती थी, जैसे मैंने आपको अभी डेमोन्स्ट्रेट किया कि कुछ बातें मैंने गाना सीखा हुआ है, तो मैं सोचता था, मैं मेंटली हम लोग गाते हैं फिर उसको बजाते हैं, तो वो बात नहीं होती थी, तो थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी। लेकिन जब अभी इसका जो सिस्टम बन गया है, जिस तरीके से इसको मैं बजाता हूँ, तो मुझे कई दफ़ा तो ऐसा महसूस होता है
कि इसके सिवा कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और वो अच्छी चीज़ मतलब शोहरत, पैसा, नाम, उस तरीके से नहीं, इससे जो आपको अपने अंदर का आनंद जो मिलता है। कई दफ़ा मैं, मेरे से अच्छा बच जाता है किसी कॉन्सर्ट में, मेरे हिसाब से कोई ऐसी चीज़ें बच जाती हैं कि जो मुझे अंदर से मूव करती हैं। तो जब मैं वो कॉन्सर्ट ख़त्म करता हूँ तो मैं बिल्कुल बोल नहीं सकता, मेरी ज़बान बंद हो जाती है और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं, मेरी बॉडी वहाँ पर है लेकिन मैं वहाँ पर नहीं हूँ। इस किस्म का रिएक्शन मुझे इस म्यूज़िक से होता है। और वो माहौल ऐसा होता है कि प्रोग्राम ख़त्म हुआ, आपके पास कई किस्म के लोग आ रहे हैं ऑटोग्राफ लेने के लिए, बातचीत करने के लिए, एंड आई एम नॉट देयर, काइंड ऑफ निर्वाण एक्चुअली। तो वो मुझे हमेशा नहीं महसूस होता, लेकिन कभी कभी वो जब महसूस हो जाता है तो उसका नशा बहुत दिन तक रहता है। और मुझे, मैं इस कोशिश में हूँ, उस तरफ जाने की कोशिश में हूँ कि वो जो नशा मेरा बहुत देर तक रहता है वो परमानेंट हो जाए और म्यूज़िक